सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है और आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट पे हमें बेकी लिंच वर्सेस आस्का के बीच में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेनरशिप का मैच देखने को मिलता है। इस मैच को किसने जीता और रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए किसके किसके बीच में मैच होगा, तो आज की शेड्यूल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पे पहली बार मीट करो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन पे ऑल पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सेलिब्रिटी को शुरू करते हैं। वेल गाइज, आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में हमें मैच देखने को मिलता है बेकी लिंच वर्सेस आस्का के बीच में। आपको मालूम होगा कि बेकी लिंच और आस्का का मैच होगा, तो दोनों सुपरस्टार WWE के टॉप गाइज में से एक हैं, तो इन दोनों का हमें काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिलता है। और गाइज, मैच में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्वालिफिकेशन बेकी लिंच करने की कोशिश करती हैं आस्का को, मतलब आस्का को क्या करती हैं कि बियंका ब्लेड इनसाइड के बाहर बैठी रहती हैं, तो बियंका ब्लेड पे ही फेंक देती हैं, तो मैच में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्वालिफिकेशन होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, मतलब आप कह सकते हो कि डिस्ट्रैक्शन होता है, तो डिस्ट्रैक्शन होता है। और उसके बाद गाइज क्या होता है कि बेकी लिंच सोचती हैं ये सब डिस्ट्रैक्शन करके और वो फेस कर सकती हैं बियंका ब्लेड को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, लेकिन गाइज ऐसा नहीं होता है। आस्का क्या करती है कि मौका देख के अपना जो माउथ से वो स्प्रे निकालती है ग्रीन कलर का वो लिक्विड, वो स्प्रे कर देती है बेकी लिंच के माउथ पे। और उसके बाद गाइज क्या होता है, बेकी लिंच फुली डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और आस्का पिन कर देती हैं। और कुछ इस प्रकार से हेल इन अ सेल 2022 में हमें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए आस्का वर्सेस बियंका ब्लेयर के बीच में हमें मैच देखने को मिलने वाला है। तो आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में कुछ यही सीन क्रिएट हुआ है, जहाँ पे अब ऑफिशियल तौर पे अनाउंस हो चुका है कि रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बियंका ब्लेयर का नेक्स्ट चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि आस्का होने वाली है। तो कुछ यही मैच है जिसको ऑफिशियल तौर पे WWE आज के मेन इवेंट में हमें दिखाती है और इस मैच का कुछ यही रिजल्ट हुआ है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।